Hello everyone, welcome to my UPSC. मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे हम तैयारी करवा रहे हैं. 13 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम टेस्ट नंबर 14 डिस्कस करेंगे. आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए. आप टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी डिटेल ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. टेस्ट सीरीज में आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आपको ये सेंड कर दिया जाएगा. अगर आज नहीं मिलता है तो ये कल आपको सेंड कर दिया जाएगा. उसकी वजह यह है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो आपके सिलेबस है उसके नोट्स तैयार कर रहे थे, तो उन नोट्स के साथ ही आपको ये टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा. इसलिए हो सकता है आज के बजाय आपको ये कल सेंड किया जाए. लेट्स बिगिन. आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा. रिवार्ड प्रोग्राम इज असिस्टेड बाई विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. ये रिवार्ड प्रोग्राम क्या है? रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट. ये फुल फॉर्म है रिवार्ड. इसकी फुल फॉर्म जरूर पढ़िएगा आप. रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट. ये रिवार्ड है. ये एक वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से, वर्ल्ड बैंक की मदद से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है. इसमें एक चीज और जो आपसे पूछा जा सकता है, कब से कब के लिए शुरू किया गया है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम है 2021 से और 2026 तक, 2021 से और 2026 तक के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है वर्ल्ड बैंक की मदद से. रिसेंटली सिरपुर पॉन्ड गेट्स रामसर साइट स्टेटस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश. अभी थोड़े टाइम पहले रामसर साइट का स्टेटस मिला सिरपुर पॉन्ड को, जो ये सिरपुर पॉन्ड है इसको. तो ये मध्य प्रदेश में किस जगह पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. देखिए मध्य प्रदेश में चार रामसर साइट है, टोटल चार रामसर साइट है. भोज वेटलैंड, इसके अलावा दूसरा जो है शाख्य सागर, ये सबसे नया है. सिरपुर वेटलैंड और इसके अलावा एक और है यशवंत सागर. यशवंत सागर, ये चार रामसर साइट है मध्य प्रदेश में और ये चारों ही 2022 में इनको रामसर साइट का स्टेटस मिला है. रही बात सिरपुर की, पूछा है सिरपुर पॉन्ड, तो ये इंदौर में है. रिसेंटली मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 फॉर विच कैंपेन. देखिए E4M ये क्या है, एक्सचेंज फॉर मीडिया. ये गोल्डन माइक अवार्ड 2022 का मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को रिसीव हुआ है, उनको मिला है. तो ये किस चीज, किस कैंपेन के लिए मिला है? टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसने क्या, कौन सा कैंपेन चलाया था जिसके लिए ये अवार्ड उन्हें मिला है? इस अवार्ड में है जो उनको ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है, गोल्डन माइक अवार्ड में ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश टूरिज्म को. और ये जो रेडियो कैंपेन था इनका, खुशियां तेरे पार चले, इसके लिए मिला है. तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये रेडियो कैंपेन के लिए मिला है और कौन सा कैंपेन था ये, खुशियां तेरे पार चले, उसके लिए है. मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च द संपूर्ण कायाकल्प अभियान एंड रिसेंटली गेव फर्स्ट प्राइज इन कायाकल्प अवार्ड टू विच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर बेस्ट ऑपरेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लॉन्च किया है ये संपूर्ण कायाकल्प अभियान. अब इसमें पहला प्राइज किस हॉस्पिटल को, किस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हेल्थ सर्विसेज में बेस्ट हेल्थ सर्विसेज ऑपरेशन के लिए, राज्य के कौन से हॉस्पिटल को ये अवार्ड मिला है, पहला पुरस्कार मिला है, ये क्वेश्चन में है. इसमें
जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है इसको पहला प्राइज मिला है। इसके बाद में पहले प्राइज में देखिए 50 लाख रुपए रुपीज मिलते हैं, इसमें 50 लाख रुपए। दूसरा सेकंड प्राइज जिस हॉस्पिटल को मिला है वो देवास हॉस्पिटल है, उसमें 20 लाख रुपीज मिलते हैं एज ए प्राइज मनी। और तीसरा जो रिसीव हुआ है इसमें सतना को मिला है, सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, उसमें थर्ड प्राइज में 10 लाख रुपीज मिलते हैं। बेस्ट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए ये अवार्ड शुरू किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, संपूर्ण कायाकल्प अभियान, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विदिशा इसका आंसर है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सर्विस न्यूएगो ब्रांड अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन बाय लॉन्चिंग इट्स सर्विसेज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सर्विस रूट। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो इंडिया का पहला है ये, इंडिया का पहला क्या है, प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटरसिटी कोच सर्विस, एक शहर से दूसरे शहर प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी कोच सर्विस इंडिया का पहला, ये किस ब्रांड ने शुरू किया गया है, तो ये ब्रांड पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसका नेम है ये नुएगो, इस ब्रांड ने ये शुरू किया है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सर्विस है वो किस रूट पे चलेगी, कौन सा रूट तय किया गया है, पहला जो शुरू किया है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये शुरू किया गया है भोपाल इंदौर रूट पे, भोपाल इंदौर रूट पे ये शुरू किया गया है। आधर कांच विलेज नॉन फॉर द ट्रेडिशनल गलसान माला, ये जो गलसान माला है ये एक तरीके से इसको हीरों की माला भी कह सकते हैं, हीरो की क्या, मोतियों की माला जो कहते हैं गलसान माला, इसको कहा जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ओ बीड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये कौन से जिले में है। मध्य प्रदेश में ये एक ब्यूटीफुल ग्लास या ग्लास है, और जो प्लास्टिक बीड्स है उन पे ये क्रिएट किया जाता है, ये जो गलसान माला है ये, इसको मोतियों की माला या मोतियों का हार भी कहा जाता है इसको, और ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इससे जुड़ी हुई जो ये आर्ट है इससे जुड़ी हुई एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये काम कौन सी ट्राइब्स करते हैं, स्पेशली जो विमेन है बिलाला ट्राइब्स की, जो विमेन है बिलाला विमेन, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, ये बनाती हैं इसको अलीराजपुर में। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच इज ए मिक्स ऑफ फोर्ट एंड टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। लक्ष्मी नारायण टेम्पल के बारे में पूछा है, जो एक उस इस टेम्पल का अपने आप में ये एक यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसमें मिक्स है, फोर्ट भी है टेम्पल भी है, ऐसा कमी देखने को मिलता है कि जहाँ फोर्ट भी है और टेम्पल भी हो, तो ये किस जगह पे है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ओरछा में है ये। देखिए ओरछा है ये काफी खूबसूरत फेमस टाउन है, और ये टाउन एस्टाब्लिश किया था, किसने किया था इस टाउन को स्थापना, जो राजपूत रूलर थे रुद्र प्रताप सिंह, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, बुंदेलखंड रीजन में है ये ओरछा। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को, सोयल किस रीजन में है, तो ब्लैक सोयल की बात हो रही है, ब्लैक सोयल है ये, पाई जाती है मालवा रीजन में, ब्लैक सोयल मालवा रीजन में पाई जाती है। रेड येलो सोयल है ये बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है। लेटराइट सोयल की बात करें तो ये मुरैना में है। एलुवियल सोयल शिवपुरी। जो ब्लैक सोयल है ये कंपोजिशन होता है बेलास्टिक, जो बेसाल्टिक रॉक होती है डेक्कन ट्रैप की, उनका रेगुर सोयल भी कहते हैं, और ये लगभग जो मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सोयल ग्रुप है ब्लैक सोयल, काली मिट्टी जिसको कहते हैं,
47% जो ज्योग्राफिकल एरिया है मध्य प्रदेश का, उस पे यही मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉयल। ये मालवा प्लेट्यू हो गया, और कुछ हिस्से जो सतपुड़ा और नर्मदा वैली के हैं वहाँ पे भी पाई जाती है, बाकी ज़्यादातर ये मालवा पठार का जो रीजन है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खारगोन, इंदौर, देवास, उज्जैन हो गया, राजगढ़ है, भोपाल, विदिशा, ये दामोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये जो मालवा रीजन है, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सिद्धी, इन एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है। रेड सोयल की बात करते हैं तो रेड सोयल भी सेकंड लार्जेस्ट सोयल है मध्य प्रदेश का। लेटराइट सोयल है ये, इसमें कई बार पूछा जाता है, तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के में रिच होती है, और ये लगभग 4% एरिया है, कवर करती है मध्य प्रदेश का। और स्पेशली लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, शिवपुरी है, ग्वालियर है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भिंड, मुरैना, इन रीजन में लेटराइट सोयल पाई जाती है। लगभग 70% लेटराइट सोयल मध्य प्रदेश में 4% ही है, लेकिन इस 4% का भी 70% है जो बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। एलुवियल सोयल की बात करें तो एलुवियल सोयल है ये मोस्टली जो उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, नॉर्थ वेस्ट ये पोर्शन जो है मध्य प्रदेश का, उसमें पाई जाती है, और ये 3% एरिया में, मध्य प्रदेश का जो टोटल लैंड एरिया है उसका लगभग 3% में एलुवियल सोयल पाई जाती है। और जब नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ जो बुंदेलखंड और चंबल रीजन का प्लेन एरिया है, कुछ जगह पे भी वहाँ पे भी ये पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे तो एलुवियल सोयल है जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा दिस वन। मैच करना है रिवर और सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में कि कौन सी सिटी किस नदी के किनारे है, या कौन सी नदी किस शहर के किनारे से निकल रही है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो नर्मदा है, नर्मदा ये धार, क्षिप्रा है, उज्जैन, पार्वती, राजगढ़, बेतवा, गुना, ये जो सीक्वेंस है ये एज इट इज है। नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो नर्मदा रिवर कौन कौन सी सिटीज से है लोकेटेड, कौन कौन सी शहर हैं जो नर्मदा के किनारे लोकेटेड हैं, तो आप देखेंगे ओमकारेश्वर है, इसके अलावा अमरकंटक है, अमरकंटक के अलावा देखेंगे तो आप मांडला है, निमाड़ है, जबलपुर है, धार है, ये सभी नर्मदा रिवर के किनारे बसी हुई सिटीज है, झाबुआ है, माहेश्वर है, इसके अलावा एक दो सिटी और हैं। क्षिप्रा की बात करते हैं तो क्षिप्रा रिवर है उज्जैन, और उज्जैन के अलावा रामघाट। पार्वती रिवर की बात करते हैं तो पार्वती रिवर राजगढ़ के अलावा ये साजापुर, ये भी पार्वती नदी के किनारे ही है। बेतवा की बात करें तो बेतवा के किनारे कौन से शहर हैं, गुना है, ओरछा भी है, सांची है, इसके अलावा विदिशा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, बी का, बी इसका सही आंसर है। मधाई फॉरेस्ट आर ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर इन मध्य प्रदेश, ये फॉरेस्ट है, इनमें से कौन से बायोस्फीयर का पार्ट है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ये एक्चुअली जो सतपुड़ा बायोस्फीयर है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, उसका हिस्सा है। ये फॉरेस्ट चर्चा में थे अभी इसलिए करवाया। इकबाल अवार्ड इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ, ये जो इकबाल अवार्ड है, मध्य प्रदेश सरकार किस फील्ड में, किस क्षेत्र में इकबाल सम्मान दिया जाता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है ये इकबाल सम्मान है। इसकी जो इंस्टीट्यूट हुआ या ये सम्मान कब शुरू हुआ, ये 1986-87 में।
ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसमें 2 लाख का प्राइज मनी भी है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है उर्दू में क्रिएटिव उर्दू राइटिंग्स के लिए। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ, वाटरफॉल और प्लेस। जो धुआंधार वाटरफॉल है ये जबलपुर में है, धुआंधार वाटरफॉल भेड़ाघाट जबलपुर। दुग्ध धारा वाटरफॉल है ये अनूपपुर में है। मानधार वाटरफॉल खंडवा, बाहुती वाटरफॉल है ये रीवा में है। ये सभी सीक्वेंस वाइज मिले हुए हैं और एक सही है, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए वाटरफॉल्स की लिस्ट है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, आप इनको जरूर याद कीजिएगा। द गन कैरेज फैक्ट्री, इसको कई बार GCF भी बोला जाता है। गन कैरेज फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ मध्य प्रदेश, ये गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने शुरू की थी, ये गन कैरेज फैक्ट्री है 1904 में अंग्रेजों ने शुरू किया था इसको, और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। सेंसस टाउन और गन कैरेज फैक्ट्री दोनों जबलपुर में ही है। ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी ऑफ सिंगर्स बेस्ड इन बागेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज, एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी सिंगर्स की जो बेस्ड है बागेलखंड रीजन जो मध्य प्रदेश का है वो कौन सी है इनमें से। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, ये एक ट्रेडिशनल सिंगिंग कास्ट है, कम्युनिटी है बागेलखंड रीजन की। इनको हारबॉल भी कहा जाता है, हारबोले, जो हड़बोले हड़बोले भी कहा जाता है इनको। ये ट्रेडिशनल कम्युनिटी है सिंगर्स की। और ये जो आपने सुना होगा एक लेजेंडरी सन श्रवण कुमार, बेटा हो श्रवण कुमार जैसा, तो ये उनके बारे में गाते हैं ये जो हड़बोले हैं, इनको बस देवा भी कहा जाता है। द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश वाज डिस्कवर्ड एंड रिवील्ड टू द वर्ल्ड बाय, इसका एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है भीमबेटका। सो ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है मध्य प्रदेश में, ये किसने डिस्कवर्ड किए थे? ये डिस्कवर्ड किए गए थे वीवी वाकणकर के द्वारा, V.S. वाकणकर। ये एक सीरीज है नेचुरल रॉक शेल्टर्स की जो विंध्याचल रेंज है उसकी फुटहिल्स में है, और जो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर है इन्होंने, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था ये केव जो है गुफाएं भीमबेटका की 1957 में। कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो रॉक शेल्टर्स है भीमबेटका की, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डेजिग्नेटेड किया गया था? इनको दर्जा दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 2003 में। और ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा भीमबेटका वाला, ये घिरा हुआ है चारों तरफ से किससे? रातापानी, जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी यहीं पे है। रानी दुर्गावती रूल्ड विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपलिटीज ऑफ इस्टवाइल मध्य प्रदेश, सो रानी दुर्गावती ये रही है, किस में इन्होंने रूल किया है क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो रानी दुर्गावती जानी जाती है गोंडवाना, किंगडम ऑफ गोंडवाना, इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ड्यूरिंग द सेंट्रल इंडिया एंड दैट इज रूल्ड बाय रानी दुर्गावती। और इसमें क्या आता है गोंडवाना में? नर्मदा वैली आ जाती है, नदन पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश आ जाता है, और नंबर ऑफ गोंड राजपूत प्रिंसिपलिटीज इसमें इन्वॉल्व है। द फोक डांस कॉल्ड नवरता इज प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये जो फोक डांस है ये किस रीजन में प्रिवेलेंट है ये पूछा है। तो जो नवरता है ये एक डांस है, परफॉर्म किया जाता है जो अनमेरिड गर्ल्स है बुंदेलखंड रीजन की मध्य प्रदेश की,
इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ए इसका करेक्ट आंसर है। मैच करना है फार्म और डिस्ट्रिक्ट, ये मैच करना है। भूमि बुल रियरिंग फार्म, ये बुल रियरिंग फार्म कहाँ पे है? ये जबलपुर में है। सीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? दिस वन इज इन मंदसौर। पोल्ट्री फार्म इंदौर एंड कैटल ब्रीडिंग फार्म भोपाल। ये ध्यान रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है मैचिंग में ही पूछे, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा आपसे सीप ब्रीडिंग फार्म इनमें से किस जगह है। ए इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? सो मध्य प्रदेश में जो टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो 11 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? ये जो IISS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस, ये कहाँ पे है? जो देखिए इस तरीके के जो बने हुए हैं इंस्टीट्यूट, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बनाया गया था जो ICAR है उसके अंडर में। ICAR सभी जानते होंगे आप, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सोयल साइंस हो एग्रीकल्चर हो उनमें एडवांस रिसर्च के लिए ये काम करता है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस है। इसकी स्थापना हुई थी, ये इसकी स्थापना हुई है 1988 में, इसकी स्थापना हुई थी जो लेक सिटी है भोपाल वहां पे। कुंभ मेला एट उज्जैन इज परफॉर्म्ड आफ्टर एवरी हाउ मेनी इयर्स? ये जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ का मेला, ये कितने साल में उज्जैन में लगता है? कुंभ का मेला चार जगह लगता है, कुंभ का मेला प्रयागराज, प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक, देन एंड उज्जैन। ये चार जगह कुंभ का मेला लगता है। इनमें से हर जगह, इनमें से किसी जगह पे हर 4 साल में, 4 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। सपोज अभी 2023 में अगर प्रयागराज में लग रहा है तो प्रयागराज का नंबर वापस 12 साल बाद आएगा। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि उज्जैन में शायद अभी 2028 में है, अगर मैं सही हूं तो आप क्रॉस चेक कीजिएगा। तो हर 12 साल बाद एक सिटी का नंबर आता है। व्हेन वाज परंपरागत कृषि विकास योजना स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? ये परंपरागत कृषि विकास योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई थी? परंपरागत कृषि योजना है ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी जब सोयल हेल्थ मैनेजमेंट शुरू किया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। सोयल हेल्थ मैनेजमेंट कृषि विकास योजना, जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये 2015-16 में शुरू हुई थी। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में और मध्य प्रदेश में ये 2015-16 में शुरू हो गई थी। द रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश? रेल कोच फैक्ट्री इनमें से किस जगह है? रेल कोच फैक्ट्री है भोपाल में। बंदर कुदनी द मार्बल माउंटेन्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? बंदर कुदनी, देखिए मार्बल माउंटेन है, इसका नाम इससे है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? बंदर कुंडनी, जो कुंडनी है इसका नाम एक्चुअली जो संगमरमर के पहाड़ हैं उनके कारण रखा गया, जो एक दूसरे के इतने करीब है कि एक बंदर आसानी से एक छलांग इधर से उधर छलांग लगा सकता है। ये जबलपुर में है।
मार्बल माउंटेन। हु अमंग द फॉलोइंग फॉट द मुगल्स फॉर ओवर ए हाफ सेंचुरी एंड लिबरेटेड बुंदेलखंड को मुक्त करवाया मुगलों से और लगभग हाफ सेंचुरी तक इन्होंने लड़ाई लड़ी। सो ये थे राजा छत्रसाल। लग इतने टाइम बाद लड़ने के बाद ये बुंदेलखंड को इन्होंने आजाद करवाया था मुगलों से। ये एक्चुअली इसका डिटेल आपने नहीं पढ़ा है तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। सारे वीडियोज अवेलेबल हैं चैनल पे, आप देखिएगा। चैनल के नाम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये सारे वीडियोज मिल जाएंगे। हु इज द डायरेक्टर ऑफ महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इन मध्य प्रदेश। जो महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है मध्य प्रदेश में, इसके डायरेक्टर कौन है? ये संजय कुमार शराफ अभी इसके डायरेक्टर हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस माधव म्यूजिक स्कूल इन मध्य प्रदेश इन 1918। माधव जो म्यूजिक स्कूल है ये एक्चुअली माधव संगीत कॉलेज है ग्वालियर में, ओल्डेस्ट म्यूजिक कॉलेज मध्य प्रदेश का, और उसकी स्थापना हुई थी 1918 में, जो अप्रूव्ड है यूजीसी से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा विष्णु नारायण भातखंडे। वो अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन बिलासपुर ऑफ इस्टवाइल मध्य भारत एंड बिकम ए लेजेंड इन हिंदी एंड मराठी थिएटर। जिन जो पहले बिलासपुर में जन्म हुआ था, मध्य भारत हुआ करता था उस टाइम पे, और ये हिंदी और मराठी के थिएटर में है जो काफी पॉपुलर रहे हैं, इनमें से कौन है? ये सत्यदेव दुबे हैं, एक भारतीय थिएटर निदेशक, नाट्य लेखक भी रहे हैं, पटकथा लेखक भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं। 1971 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था, 78 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए भी इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, 1980 में भी जुनून पिक्चर थी उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था, और भारत सरकार ने 2011 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए आपके टॉपिक है एक पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, वहां से इसी तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन 1966 वाज रीनेम्ड एज। देखिए ये जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका नया नाम क्या कर दिया गया, इसको रीनेम किया गया आरसीवीपी नौराना अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आप जवाब लाल बहादुर शास्त्री को सभी जानते हैं, ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री। इनका नाम से ये इंस्टीट्यूट था और उसको रीनेम किया और ये नाम किया आरसीवीपी नौराना। रोनाल्ड, ये फुल फॉर्म है इनकी आरसीवीपी की, रोनाल्ड कार्लटन विवियन पिया डाडे नोरोना। रोनाल्ड कार्लटन विवियन पिया डाडे नोरोना, ये इसका फुल फॉर्म पूरा नाम है। अब किसी, ये एक सिविल सर्वेंट थे एक्चुअली में, जो ब्यूरोक्रेट आज के टाइम पे होते हैं आईएएस ऑफिसर वगैरह, तो ये उस टाइम पे सिविल सर्वेंट थे, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं ये, लेकिन